Great morning students, I hope you all are fine. टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर नंबर नाइन विच इज ब्राउजिंग इंटरनेट आर टूडेज टॉपिक इज यूजिंग अ वेब ब्राउजर तो क्लास अपटिल नाउ वी हैड अंडरस्टूड दैट वॉटर वेब ब्राउजर वॉज हमें पता है वेब ब्राउजर क्या होता है वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था विद द हेल्प ऑफ विच वी वर एबल टू ओपन एंड वी वर एबल टू यूज़ इंटरनेट जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे थे ये वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है एक बार ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है तो आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज जो है एड्रेस बार में किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस जो है ऐड ऑन करके डाल के आप क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हो और आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो तो आज हम ये देखेंगे दैट हाउ वी कैन यूज अ वेब ब्राउजर गूगल क्रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज वेब ब्राउजर्स डेवलप बाय गूगल गूगल ने एक वेब ब्राउजर बनाया है जिसका नाम है गूगल क्रोम और वो हम सबके फ़ोन पे यही मिलता है आज के एंड्रॉयड फ़ोन में ये ही आता है और ये बहुत पॉपुलर और कॉमन है यू कैन ओपन इट by डबल क्लिकिंग ऑन इट्स icon ऑन डेस्कटॉप अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो तो फिर आपका जो है इसका आइकन डेस्कटॉप पे भी मिलेगा आप उस पर डबल क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा या फिर आप क्या कर सकते हो स्टार्ट बटन पे जाओ और उसमें गूगल क्रोम पे स्क्रॉल करो जब आपको वो मिल जाए एक बार आपको वो मिल जाए तो आप उस पर क्लिक कर लो वंस आपको जब आप क्लिक करोगे उस पर तो क्या होगा आपका गूगल जो क्रोम है दैट विल बी ओपन द क्रोम टूल बार इज शोन इन फिगर नाइन पॉइंट फोर तो ये जो आप फिगर देख पा रहे हो इन दिस आपको क्या शो रहा है गूगल क्रोम दिखता कैसे है देखो पहली बात तो ये कि एक विंडो के फॉर्म में होता है रेक्टेंगुलर विंडो ये जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है इसके ऊपर आप देख सकते हो इंटरनेट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में बैक का बटन है फॉरवर्ड का बटन है रीलोड का बटन है न्यू टैब का बटन है फिर साइड पे जाओ तो कस्टमाइजिंग कंट्रोल गूगल क्रोम जूम बटन बुक मार्क दिस पेज हिस्ट्री जूम प्रिंट मोर टूल्स और यहाँ पे क्या है आपकी अगर मान लो हमने सर्च बार में डाला ही इंटरनेट था तो यहाँ पे इंटरनेट के रिगार्डिंग ही सब कुछ दे रखा है कि व्हाट इज़ इंटरनेट ये बहुत सारे आपके जो है लिंक्स ओपन हुए हुए हैं यहाँ पे आपने बहुत सारे आपको इस पर क्लिक किया था आपने बटन पे तो एक मेन्यू ओपन हुआ हुआ है और कुछ कॉमन बटन्स है जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ठीक है एंड दिस इज़ योर यू आर एल यहाँ एड्रेस बार यहाँ पे आप ये जो रिक्ट है इसके अंदर आप क्या करते हो एड्रेस डालते हो ठीक है तो इट इज़ योर एड्रेस बार जिसमें आप यू आर एल डालते हो तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट दिस बटन्स मीन सबसे पहले आपने देखा बैक बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है बैक ये मैंने बताया था ना यहाँ पे बैक है ये वाला एरो बैक है ये वाला फॉरवर्ड है एंड दिस वन इज़ योर रीलोड ये वाला जो है आपका रीलोड बटन होता है तो पहले हम इनका मीनिंग समझते हैं देखो क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेक्स यू बैक टू द प्रीवियस पेज दैट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड देखो व्हेन यू वर्क ऑन इंटरनेट ये तो है नहीं कि आप किसी एक पेज पे वर्क करोगे ऑब्वियसली मान लो आपने एक वे, वेब मान जैसे यहीं पे एग्जांपल देखते हैं जैसे अगर हम इस पिक्चर में जाएँ तो वह है यह वर्क आपने सबसे पहले इंटरनेट टाइप किया आपका ये पेज ओपन हो गया अब से आपको ये वाला अच्छा लगा लिंक तो आप इसको ओपन करोगे हो सकता है इस लिंक के अंदर नीचे और लिंक्स हों तो हो सकता है आप उसको ओपन कर लो या फिर आप जब आपने ये लिंक ओपन किया एड्रेस बार तो आपको तब भी दिखेगा ना तब हो सकता है आप कोई और एड्रेस डाल के कोई और वेब पेज खोल लो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पीछे वाला वेब पेज देखना था तो आप कैसे जाओगे क्योंकि एक बार आप किसी और लिंक पे क्लिक करते हो आप तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए ना जैसे बुक का नेक्स्ट पेज टर्न होता है तो अगर आपको प्रीवियस पेज पे जाना है पिछले पेज पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बैक बटन ही दबाना पड़ेगा यू हैव टू प्रेस दिस बटन तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेक्स यू बैक टू द प्रीवियस पेज

दोबारा से अगर इस पेज पे आना है तो वट यू कैन डू यू कैन प्रेस ऑन फॉरवर्ड बटन तो फॉरवर्ड में आप दो काम कर सकते हो या तो आगे अगर आपके पेजेस आपस में लिंक्ड हैं और आपको वन वन बाय नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप फॉरवर्ड 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 बटन पे क्लिक करते रहो अदरवाइज मान लो किसी पेज पे आप बैक हुए थे और दोबारा से आपको ने, उस नेक्स्ट पेज पे आना है देन ऑल्सो यू कैन यूज योर फॉरवर्ड बटन उसके बाद है रीलोड रीलोड का होता है क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल रीलोड द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ द करंट पेज कई बार क्या होता है हमारे हमने एक पेज ओपन किया ठीक है वो ना प्रॉपरली ओपन नहीं होता या ओपन होता ही नहीं ड्यू टू नेटवर्क तो, तो काफ़ी देर से हम वेट कर रहे होते तो जैसे हम नॉर्मली रिफ्रेश करते हैं ना अपने डेस्कटॉप को रीलोड बटन उसी की तरह वर्क करता है आप दोबारा से जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो पेज होता है वो रीलोड हो जाता है अगर मान लो आपने कोई चेंज भी किया होता है ना उस पर्टिकुलर पेज पर पे कुछ हो, किया होता है कुछ भी काम तो वो रिफ्रेश हो जाएगा एक टाइम से रीलोड का मतलब है उसका जो बिल्कुल फ्रेश वर्जन है न्यूएस्ट वर्जन है रिसेंट वर्जन है वो आपको शो हो जाए बुक मार्क्स दिस ऑप्शन देखो बुक मार्क जो है अब ये सारी चीज़ें आपको जो राइट right साइड में दिख रही हैं इधर मिल रही हैं देखो बुक मार्क क्या करता है दिस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द चूजन वेबसाइट सो दैट ही शी कैन विजिट री विजिट दैम एनी टाइम वेन आई नीडेड बुक जिस भी चीज़ को आप बुक मार्क कर देते हो ना देखो एक तो वो थोड़ी स्पेशल हो जाती है मतलब अब आप आपको क्या करना होता है बुक मार्क आइकन पे जाना होता है और वहाँ पे ना इसका लिंक हमेशा रहता है नॉर्मली क्या होता है कई बार हमने एक वेब वेब पेज ओपन किया हमें उसका नाम याद नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइम उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हो सकता है अगर मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दी या मैं हिस्ट्री को सेव ही नहीं करती तो वो वेब पेज को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो बुक मार्क के केस में क्या होता है जैसे हम अपनी नॉर्मल बुक्स में एक बुक मार्क रख देते हैं कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था कल आऊँगी तो यहाँ से डायरेक्टली आए जस्ट उस बुक मार्क को हम ओपन खोलते हैं एंड हमारा पेज ओपन हो जाता है उसी ढंग से यहाँ पे भी हम एक बुकमार्क बना सकते हैं जिस पेज पे हम बुकमार्क मार्ग स्टार जो दिख रहा था उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा वो वाला जो है आपका सेव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम आपको बस उस पे क्लिक करना है आपको वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा नेक्स्ट इज योर न्यू टैब क्लिकिंग ऑन दिस बटन अलाउज यू टू ओपन अ वेब पेज इन अ न्यू टैब न्यू टैब का मतलब है एक नया वेब यहाँ पे न्यू टैब में जो होता है एक नई विंडो ओपन हो जाती है इसी यहीं पे एक और न्यू ठीक है उसमें आप कुछ और सर्च कर सकते हो तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन अलाउज यू टू ओपन अ न्यू वेब पेज यू कैन आल्सो ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब क्लिकिंग ऑन द राइट क्लिक अगर आपको कोई मान लो कोई ये नेक्स्ट पहले वाले में तुमने जैसे ये ओपन किया आप ये पेज खटाना नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो इस लिंक पे जाओ राइट क्लिक करो ओपन इन न्यू टैब कर दो तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज अलग उससे ओपन होगा फिर नेक्स्ट पेज अलग विंडो में ओपन होगा ठीक है तो सारे पेजेस आप ओपन कर सकते हो नेक्स्ट इज कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल डिस्प्ले अ पॉप अप डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विद सेवरल ऑप्शन टू कस्टमाइज एंड कंट्रोल द गूगल क्रोम सेटिंग्स तो बोलता है इसके से गूगल क्रोम को क्या कस्टमाइज कर सकते हो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो पहला है प्रिंट क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रिंट्स अ कॉपी ऑफ द वेब पेज यू आर व्यूइंग प्रिंट का काम ही है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसको प्रिंट करा दे तो वो वाला वेब पेज जो आपका प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट इज हिस्ट्री दिस ऑप्शन डिस्प्लेज वेबसाइट दे आर यू हैव रिसेंटली विजिटेड मतलब जो भी आपने वेबसाइट या वेब पेजिस लिंक्स पे क्लिक किया था वो आपको दिख जाएंगे जूम जूम का मतलब होता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना अपने वेब पेज के साइज़ को तो अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो साइज़ जो इंक्रीज होगा माइनस पे डिक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ होता जाएगा साइन एंड अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करोगे विच यू कैन सी ओवर व तो आपका क्या होगा फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा लास्ट इज योर मोर टूल मोर टूल्स क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शन लाइक सेव पेजेस क्लियर ब्राउजिंग डेटा टास्क मैनेजर एसक्ट्रा तो मोर टूल्स के अंदर क्या होता है कि ब्राउजिंग डेटा को हटा दो सेव पेज कर दो टास्क मैनेजर ये सब आप कर सकते हो uh, तो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू वर्क विद योर वेब ब्राउजर सो थैंक यू